Hello student, today we are going to discuss another important news and the news is related to the NEET examination. So when we are looking at the newspaper and we are looking at that particular information about the NEET examination and what kind of discrepancies has been at least to have been done and the student are saying ki corruption is involved and this thing is going to the against the interest of the student. आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं ये कि अगर इसी न्यूज़ को एक लॉ स्पिरंट की पर्पस से हमें पढ़ना हो तो हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे ऐसी कौन सी वो इन्फॉर्मेशन हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्जी में तो वट द टॉपिक इज द टॉपिक इज रिलेटेड टू द नीट एग्जामिनेशन कंट्रोवर्सी एंड रिमेंबर स्टूडेंट वी एज अ लॉ स्टूडेंट वी आर लुकिंग एट दिस न्यूज फ्रॉम देंस ऑफ जुडिशरी ये जो पर्टिकुलर नीट का एग्जामिनेशन है जिस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग द एग्जामिनेशन अ कॉम्प्रीहेंसिव एग्जामिनेशन फॉर द एम बी बी एस एंड बी डी एस डिग्री रिलेटेड टू द डॉक्टर्स नाउ दिस एग्जामिनेशन हैज बीन चैलेंज बिकॉज द रिजल्ट इज आउट विद दिस लास्ट वीक एंड द पॉइंट वॉज देट देर आर मोर देन सिक्सटी स्टूडेंट They achieve the top list. So when it it is not possible to achieve the total, which is the 720 marks, and all the 67 students are achieving this 720 marks, which is, seems to be impossible. But in this examination, in legal term what and what So I am just looking at. As we are discussing with the recent news. सो वट द रिसेंट न्यूज रिलेटेड टू दिस टॉपिक एज आई टोल्ड यू की अभी न्यूज जो थी वो ये थी कि जो डिस्क्रिपेंसीज एग्जामिनेशन जो हुआ इसमें जो रिजल्ट आया स्टूडेंट उस रिजल्ट में इट इज ए लीज कि एक ही सेंटर से कई सारे स्टूडेंट एक ही पर्टिकुलर सेंटर से मैनी स्टूडेंट दे क्वालिफाइड इन फैक्ट दे अचीव द हाइस्ट स्कोर तो क्वेश्चन वॉज देट इज इट पॉसिबल टू टेक दिस सो वी आर गोइंग टू टेक

this NEET examination was started so we are just looking at the background of the news which can be taken as examination for the gk purpose central bureau of secondary education which is cbse cbse ने 2013 में ये examination कंडक्ट करने की शुरुआत किया which is called the NEET. और purpose क्या था पर्पस ये था पूरी कम, पूरी कंट्री में एक कॉम्प्रिहेंसिव यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन कराना और जिसमें एक प्रॉपर सेम कॉमन एग्जामिनेशन करा के टैलेंटेड स्टूडेंट्स को सर्च करना जो कि कैपेबल है टू गेट द एडमिशन इन द प्रस्टिजियस नो कॉलेज मेडिकल नाउ दिस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विच इज़ अ एन टी ए इज नाउ कंडक्टिंग दिस एग्जामिनेशन सो अर्यर इट वॉज कंडक्टेड बाय सी बी एस ई बट नाउ इट इज कंडक्टेड बाय एन टी एंड दिस एग्जामिनेशन इज फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन एंड टू डिग्रीज आर देयर एम बी बी एस एंड बी डी एस नाउ रिमेंबर स्टूडेंट वी नीड टू गो टू द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी बिकॉज तमिल नाडू वॉज अ स्टेट विच वॉज ऑब्जेक्टिंग दिस होल प्रोसेस ऑफ द नीट एग्जामिनेशन की हम नहीं चाहते कि आप हमारे स्टेट में इस नीट के एग्जामिनेशन को मैंडेटरी करो हम हमारे स्टेट के लिए अपना एक सेपरेट एग्जामिनेशन एक कराएंगे विच इज बेस्ड ऑन द स्टेट सिलेबस और वहां पर हम अपने स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेज में भेज देंगे दैट वॉज द फर्स्ट ऑब्जेक्शन विच वॉज थ तो अगर आप देखेंगे कि तमिलनाडु विच स्टार्टेड विद दिस दिस सिचुएशन और यहाँ पर तमिलनाडु ने 2017 में इस एग्जामिनेशन को बोल दिया दैट वी डोंट वांट टू हैव दिस एग्जामिनेशन और इट इज नॉट टू बी मैंडेटरी आप इसको मैंडेटरी मत बनाओ कि ये एग्जामिनेशन मैंडेटरी है क्वालिफाई करना ओनली देन यू विल गेट द एडमिशन इन द टॉप मेडिकल Colleges. तो यहाँ पे बोला कि हमारे पास स्टेट के पास एजुकेशन टू अपियर फॉर दिस टू टेक द एडमिशन इन द मेडिकल तो इन्होंने इसको ऑब्जेक्ट किया टू थाउजेंड सेवेंटीन में तमिलनाडु ने नाव जब तमिलनाडु ने इसको ऑब्जेक्ट किया तो सबसे पहले ये केस आता है मद्रास हाईकोर्ट में जहां पर एक केस है दैट इज कॉल्ड वी एस साई वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एज आई टोल्ड यू कि हम इस नीट की पूरी एग्जामिनेशन को एज अ लॉ स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम सेंस इसमें वी एस साई सचिन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु जो कि मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट था इस जजमेंट में इस नीट के एग्जामिनेशन को चैलेंज किया गया सेइंग दैट वी आर फॉलोइंग द फेडरल स्ट्रक्चर So, हर state की अपनी ऑटोनॉमी होती है हर स्टेट के पास स्टेट में एग्जामिनेशन कंड करा पाए और स्टूडेंट को टॉप मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए टेकिंगर ओन एग्जामिनेशन सो वी डोंट वॉन्ट द इंटरप्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक अ कॉमन एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग दोस्टेट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट इनफैक्ट आई वुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट इन दिस कंटेक्स वॉज मेडिकल कॉलेज वेल्लोर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट स्टूडेंट और टू थाउजेंड ट्वेंटी में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक प्रॉपर गाइडलाइंस दिया सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड की जो नीट का एग्जामिनेशन है अगर तमिलनाडु इसको चैलेंज करा या कोई भी स्टेट अगर इसको चैलेंज करता है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑटोनॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट दिस विल नॉट बी मेंटेनेबल रीज़न भी नीट का एग्जामिनेशन करवाना कंडक्ट करवाना सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सिर्फ एफिशेंसी को मेंटेन करता है क्वालिटी मेंटेन कर रहा है और इससे किसी भी तरीके से स्टेट की ऑटोनॉमी डिस्टर्ब नहीं होती सो दिस वॉज सजेस्टेड ऑन द क्वेश्चन वॉज कि यहाँ पर नीट के एग्जामिनेशन को वैलिडिटी मिलती है यानी अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा बिकॉज प्रेजेंट टाइम में ये कंट्रोवर्जी बड़ा डिस्कशन में है एंड वी नीड टू वेट कि रिजल्ट क्या होगा इस नीट की एग्जामिनेशन कंट्रोवर्जी में बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में सुप्रीम कोर्ट ने इस नीट के एग्जामिनेशन की, की वैलिडिटी को इस्टाब्लिश किया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट

Article 131 of the Constitution of India. Why I am using this? Because the state of Tamil Nadu was bringing a case interest litigation against the central government in the Supreme Court of India. The article 131 was invoked. Article 131 of the Constitution of India can only be invoked when there is a dispute between central and the state. So, when there is a dispute of central and the state, the article 131 was exercised and on that basis this litigation was came into horizon.

2024. थाउजेंड ट्वेंटी फोर फॉर योर एग्जामिनेशन परपज इट इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट बिकॉज इस केस में इस लिटिगेशन में वंशिका यादव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू टेक दिस स्टेप्स टूवर्ड द वैलिडिटी ऑफ दिस नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज जो भी डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट आउट होने पर उसको कोर्ट कंसिडर करेगा The two things are important. First, that this examination is not going to be reconducted and this result is not to be suspended for a longer time. So, this was all for this video. As I told you, this is the neat examination, might be impossible might be possible for the current affair purpose. This kind of question may be asked. So that is all. Thanks for watching this video.